अगर आप भी चाहते हैं कि सभी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल समाचार आज तक को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान अपनी जान पर खेलकर कार्य कर रहे कर्मियों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश झा ने अपने आवास पर इन कर्मियों के लिए 1 करोड़ रुपए की बीमा राज्य की हेमंत सरकार से कराने की मांग को लेकर महात्मा गांधी के पद चिन्ह पर चलते हुए 1 दिन का उपवास रखा। झारखण्ड के जो प्रवासी मजदूर हैं, जो दिल्ली, पूना, सूरत, अहमदाबाद, हैदराबाद, सिकंदराबाद सहित अन्य जगहों पर फंसे हुए हैं, आज झारखंड सरकार ने जो मोबाइल नंबर हेल्पलाइन जारी किया है, कोई अधिकारी उन्हें सही ढंग से ट्रीट नहीं करते, फोन नहीं उठाते, उनके सामने समस्या है। वहीं दूसरी ओर जो झारखंड के विद्यार्थी कोटा सहित अन्य जगहों पर पढ़ाई कर रहे हैं, आज वो और उनके अभिभावक दोनों परेशान हैं। आज यूपी सरकार ने, आज मध्य प्रदेश सरकार ने अपने अपने राज्यों में वहाँ के बच्चों को राजस्थान सरकार से बात करके वो वापस लेते आए। आज संथाल परगना में मेडिकल किट की स्थापना हुई है, नहीं हुई। आज घर घर कोरोना की जांच नहीं हो पा रही है। हम लोग चाहते हैं कि संथाल परगना में भी लैब खुले, यहाँ कोरोना की जाँच में वृद्धि हो और जो कोरोना योद्धा हैं, डॉक्टर हैं, एनएम हैं, पारामेडिकल कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, पत्रकार हैं, जिन्हें संक्रमित होने का खतरा रहता है, जो अपने जान जोखिम को डालकर नागरिकों की सेवा दे रहे हैं, उन्हें झारखंड सरकार 1 करोड़ की राशि का बीमा कवर दे, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार न करे या सुरक्षित करे। इन्हीं मांगों को लेकर मजदूरों के हित में, छात्रों के हित में, कोरोना योद्धाओं के हित में और संथाल परगना में मेडिकल लैब को लेकर के हम लोग आज एक दिवसीय उपवास कर रहे हैं कि झारखंड सरकार जगे, इन हितों पर काम करे और झारखंड के इन कार्यों में तेजी लाए। संथाल परगना के देवघर में भी एक कोरोना पॉजिटिव मिल गया है, यानी संथाल परगना में कोरोना दस्तक दे चुका है। संथाल परगना के निवासियों को के मन में भय और आशंका है, इसलिए यहाँ पर लैब की व्यवस्था हो, सभी घरों में जांच की व्यवस्था हो और सरकार को सतर्क रहने की आवश्यकता है।